लगता है वोटर का कारवा आ पहुंचा है छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में। इस सीट पर वर्तमान में बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह लोधी विधायक है। पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करते हैं प्रमुख दल कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने फिर एक बार 2018 में रामसिया भारती को प्रत्याशी बनाया था और इस बार यहां फिर से वह मैदान में है। मुकाबला बेहद रोचक रहने वाला है, लेकिन जानना यह बहुत जरूरी होगा कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है। चलिए आज शुरू करते हैं आज का कहता है वोटर। हमारे यहाँ जो है चार महीने से कोटा नहीं मिलू, जनता और सेल्समैन भगा दे गाई देखी, खाद नहीं मिल रहा, रात में खाद चले जा, हमारे यहाँ कोई खाद खाद की नहीं है, ठाए ठाए लोगों ने दे दे और फिर कह के बड़ा गाँव और ठेला आवे तो एक दिन खंगे सुबह भाग जा और रात में पता नहीं पाएगा कहाँ चले जा। क्षेत्र में समस्या तो काफ़ी है, जैसे लोग मजदूर लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ कोई रोजगार की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, युवा जितने भी हैं बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है युवाओं के लिए ना मजदूरों के लिए कोई काम किया, और सरकार कोई भी व्यवस्थाओं पे ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी। यहाँ अस्पताल में एक भी नर्स नहीं है, कम से कम दो दो चार चार कोटा खा गए, एक जगह बता रहा है कि चार महीने का कोटा खा गए, हमारा है ही नहीं है, मिलू नहीं है। यहाँ बड़ा मलेरा में कहीं से भी मतलब विधायक चाहे तो उद्योग धंधे ले आ सकता है, लेकिन विधायक ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा है। अच्छा ही होगा व्यापार लियो की अच्छा काम किया है विधायक जी ने, अपने बड़ा मलेरा विधायक जी ने अच्छा काम किया है, हमें वो भाजपा भी पप्पा यहाँ से जीतेगी। सरकार में ना तो सही चला था, सरकार ने खूब दाव है, मोदी जी के इसे जीता था सरकार बन रही, लेकिन ना के बीच में हमारे विधायक आंदोलन का हमारे खुद ही जितना ने वोट दी थी हमने उतना से हमारे यहाँ नहीं गए, क्या आपत्ति है कि कौन चीज मिल रही अगर कौन चीज नहीं मिल रही। आज तक कोई ऐसा विधायक नहीं है जो महीने में 25 दिन यहाँ रहते हैं, और उनने विकास के मामले में अस्पताल बनवाया, स्टैंड बनवाया और रोड देख लो, कहीं भी देख लो, अभी धनगुआ बांध भी उन्हीं ने चल रहा है, और भीमकुंड में देख लो वहाँ उन्हें 2-3 करोड़ रुपए दिलाए, अबार माता में दिलाए 2-3 करोड़, हर जगह मतलब विकास ही विकास, पूरे दिन रात वो विकास में यहाँ जनता की सेवा कर रहे हैं। क्षेत्रीय प्रत्याशी को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जा रहा है, दोनों पार्टी बाहरी प्रत्याशी उतार देते वो अपना विकास करते और चले जाते, कोई बालू माफी आ जाता है तो कोई भक्त लोग आ जाते हैं, इससे थोड़ी देश चलेगा, देश कोई इंडस्ट्री वगैरह हो इन चीज़ों से देश चलता है। युवाओं के लिए रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री डालना चाहिए और स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह नहीं रहते, डॉक्टर वगैरह अपनी पूरी ड्यूटी से बैठे। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को मतदान होना है, उसके पहले हम निकले हैं मतदाताओं के मन की बात जानने के आखिर उनके मन में क्या है। इसके साथ ही राजनीतिक दल जो प्रत्याशी है वो मैदान में है, ऐसे में उनसे भी ये जानेंगे कि आखिर जनता के बीच वो जा रहे हैं तो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर जा रहे हैं। जो विधायक है उन्होंने पिछले कार्यकाल में क्या वादे किए थे, कितने पूरे हुए, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो हमारे साथ बीजेपी से तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से भी तमाम जो नेता हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आम पब्लिक से जुड़े लोग हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले आम पब्लिक से सवाल लेते हैं, ये बताइए कि क्या मुद्दा लगता है आपको इस बार के चुनाव में। जी सर, मतलब पिछले बार के हिसाब से भाजपा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, हमारे बड़ा मलेरा के क्षेत्र में कभी देखा नहीं गया कि स्टैंड टूटा फूटा पड़ा हुआ था, यहाँ पे छोटा सा धर्मशाला बना हुआ था, और ये भाजपा मतलब कि जो इस पंचवर्षीय में जो भाजपा सरकार रही है इसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, और हमारे बड़ा मलेरा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी स्तर तक अच्छी सड़कें बन चुकी हैं, पक्की बन चुकी हैं, लाइटों की व्यवस्था बन चुकी है, नल जल योजना तो आप देख ही रहे हैं,
इस लेके तो लेके सो मतलब और भी व्यवस्था लगी, जैसे बस चलने लगी, सही से चलने लगी, बस स्टैंड अच्छे अच्छे उनका और बड़ा बड़ा मिल गया। तो विकास आप देखिए जैसे देख थाने के सामने से पक्की सड़क डलने लगी है यहाँ से, और बहुत अच्छा विकास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाजपा से। हम चाहेंगे कि फिर से पिदम सिंह आए और जनता। कुछ और युवा भी हैं, आप बताइए कि क्या लगता है कि रोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध होते हैं, आप लोगों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त साधन है कि बाहर जाना पड़ता है? बिल्कुल साधन नहीं है भाई साहब, और क्या है कि विकास अभी हो नहीं रहा है, या अपन को बदलाव चाहिए भाई साहब। बाय इलेक्शन में ये सीट बीजेपी के खाते में आई थी, उसके पहले ये कांग्रेस के पास चली गई थी, क्या लगता है बाय इलेक्शन के बाद कितना विकास आप इस इलाके का कर पाए आप लोग? विकास जो है वो दिखता है, आप बड़ा मलहरा विधानसभा में कहीं भी चले जाइए, जिनकी आंखें अंधी हो गई हैं उनको भर नहीं विकास दिखेगा, बाकी आप कहीं भी चले जाइए, आज भी बड़ा मलहरा में जाइए तो लगातार सड़कों का निर्माण आज हो रहा है, जहां आप खड़े हैं ये बस स्टैंड का निर्माण, डिवाइडर का निर्माण, अनेकों निर्माण है सम्मान्य विधायक जी के माध्यम से कम इस 3 साल में 30 करोड़ रुपया आमजन धार्मिक स्थल ऐसी जगह लगाए गए, काठन परियोजना जो सबसे बड़ी परियोजना है 350 करोड़ की वो ले आए थे सम्मानीय विधायक जी। तो जब आदमी में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो वो सम्मानीय विधायक जी में जज्बा है कुछ कर दिखाने का, विकास बोलता है और आने वाले समय में विकास बोलेगा। 17 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें भी विकास बोलेगा, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 20,000 वोटों से चुनाव जीतने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के साथी हमारे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं, वे कह रहे हैं कि विकास बोलेगा क्योंकि इतने महीने में विकास किया है। प्रद्युम्न सिंह लोधी जब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए उसके बाद लगातार बड़ा मलहरा।